नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा था। साधारण ब्याज की मैं 4 क्लास ले चुका हूँ। आज ये पांचवी क्लास है और लास्ट क्लास होगी साधारण ब्याज की। 5 क्लासों में मैंने आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करवा दिया है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आराम से समझाया है। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सोल्व करो, आराम से 100% सोल्व होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को छोड़ो, 100% मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक व्यक्ति 2 बैंकों से कुल 8,000 रुपये उधार लेता है। पहले बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक है तथा दूसरे बैंक की ब्याज दर 10% वार्षिक है। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 600 रुपये हो तो प्रत्येक बैंक से कितना कितना रुपये उधार लिया, ठीक है। आपने 8,000 रुपये 2 बैंकों से उधार लिए हैं। देखो 8,000 रुपये टोटल उधार लिए हैं 2 बैंकों से, आराम से समझना। 2 बैंकों से आपने उधार लिया, फर्स्ट और सेकंड, 2 बैंक मान लेता हूँ मैं, पहला और दूसरा। पहले बैंक की जो ब्याज की दर है वो 6% है, वार्षिक ही होती है ब्याज की दर। दूसरे की है 10%। ये मिश्रण का क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना। पहले बैंक की तो कितनी है 6%, दूसरे बैंक की है 10%। मैं आपसे ये पूछूं, आपने टोटल एक वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज दिया, तो ऐसा मत कर देना 6 और 10 16, ना ऐसा नहीं करना। आपने पूरा ब्याज दिया 600 एक साल में, किस पे, 8,000 पे। भाई 8,000 रुपये तो आप उधार लेके आए हो, उस पर आप 600 ब्याज दे रहे हो, प्रतिशत में कितना दिया ये रेट निकल जाएगी। टोटल आपने 8,000 पे इतना प्रतिशत ब्याज दिया है, वो निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 के पाड़े से काटो, 4 दुनी 8, 60 में मैं 4 का भाग दूंगा 15 बार, 15 में मैं 2 का भाग दूंगा, 7.5% ब्याज दिया है आपने 8,000 पे एक साल में। आप बोलोगे सर ये तो 6% दिया है, 8,000 के 2 भाग कर रहे हैं, ध्यान रखना। कुछ भाग को तो वो 6% पे लाता है, दूसरे भाग को वो 10% पे लाता है। इसके 2 हिस्से करे हैं, हो सकता है कि 3,000 और 5,000 करे हो सकता है कि वो 4,000 कराओ, हो सकता है वो 2,000 6,000 कराओ। दोनों हिस्सों का टोटल 8,000 आपके पास आना चाहिए। टोटल ब्याज 7.5% देता है, कुल मिला के 8,000 पे 7.5% ब्याज वो देता है सालाना, ठीक है। तो मिश्रण का क्या कंडीशन है, एक ही चीज के 2 पार्ट करेगा, 2 भाग करेगा, कर दिया, दोनों को तोड़ दिया। अब टोटल जो वैल्यू होगी वो बीच में आएगी यहाँ पे, और इसकी एक खास बात होती है, ये वैल्यू एक से बड़ी होगी दूसरी से छोटी होगी। 7.5 इन दोनों वैल्यू में से एक से तो बड़ा होगा और दोनों में से एक से छोटा होगा। दोनों में से वो कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है जिसमें एक से ये बड़ा होगा दूसरे से छोटा। तो ये 6 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है, ठीक है। और ये कंडीशन एक जैसी रखेंगे तीनों, ये प्रतिशत में, ये प्रतिशत में, तो ये भी प्रतिशत में होगा। तो यहाँ पे मिश्रण लगेगा, तिरछा घटाना है आपको, क्रॉस में घटाना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। बड़ी 7.5 है, 7.5 में से मैं 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1.5%। यहाँ पे बड़ी 10 है, 10 में से मैं 7.5 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2.5%। यह अनुपात बनेगा दोनों भागों का, जो भी ऊपर 2 भाग है उनका अनुपात बनेगा। इन दोनों भागों को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल 8,000 के बराबर होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 के पाड़े से काटो, 5 थी 15 5 25, ठीक है। अगर आपसे पूछता दोनों भागों का अनुपात बताओ तो आपका आंसर होगा 5:3, यही आपका आंसर आ जाता। आपसे पूछा प्रत्येक का हिस्सा, दोनों बैंकों से कितना कितना पैसा आपने उधार लिया वो आपसे पूछा है। अगर मैं 5 और 3 दोनों को जोड़ देता हूँ तो 8,000 के बराबर आएगा। 5 और 3 कितना, 8 इकाई, 8 इकाई का मान कितना, 8,000, ठीक है। 1 इकाई का मान निकालो, 8,000 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 1,000 आएगा, 1 इकाई का मान। आपका प्रत्येक हिस्सा बताना, प्रत्येक बैंक से लिया गया पैसा बताना है। तो पहले बैंक से आपने लिया 5 इकाई, तो फर्स्ट का मैं निकाल रहा हूँ 5 इकाई। 1 इकाई का मान आपको पता है 1,000 है, तो मैं 5 को 1,000 से गुणा करा दूंगा। पहले बैंक से कितना लिया आपने, 5,000 रुपये लिया। तो दूसरे बैंक का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, टोटल 8,000 लिया था, 1 से 5,000 ले लिया, तो दूसरे के कितने लिए हैं आपने, 3,000। या यहाँ से निकालो, 1 इकाई का मान आपके पास 1,000 आया है, तो 3 इकाई का कितना होगा, 3,000। सेकेंड का है 3 इकाई, तो 3 को मैं किससे गुणा करा दूंगा, 1,000 से। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3,000। क्या आपका आंसर है, क्या क्या पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चनों में। 90% पूछता है कि दोनों का अनुपात बताओ, यहीं पे खत्म हो जाएगा दोनों भागों का अनुपात। आपसे पूछा प्रत्येक भाग कितना कितना है, तो प्रत्येक भाग निकाल लें, इन दोनों को जोड़ोगे ये टोटल आएगा। भाई दोनों भागों का हिस्सा ही तो कराया, 5:3 में ही तो बांटा है दोनों भागों को, इन दोनों को मैं मिला दूंगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा।
पाँचों तीन को ऐड करा मैंने, आठ इकाई, आठ इकाई का मान कितना है 8000, एक का मान निकाल लिया 1000 है, पाँच का निकालना है 5 से गुणा करा दूंगा, एक इकाई के मान को 5000 आ गया, तीन का निकालना है 3 से गुणा करा दूंगा 3000 आ गया। दोनों भागों को वापस जोड़ते हो आप, पाँच और तीन, देखो ये 5000 और 3000, टोटल 8000 बन रहा है। क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है, एक चीज की कंप्लीट एक चीज के दो हिस्से करेगा ये, 8000 के दो हिस्से करे, 8000 को दो जगहों से आपने लिया, एक को 6% पे, दूसरे को 10% पे, तो आप पता कर लो टोटल आपने एक साल में ब्याज कितना दिया है। अलग अलग तो आपने दे दिया, एक पे 6% दिया, एक पे 10% दिया, टोटल आप ब्याज दे रहे हो सालाना 7.5% आप सालाना ब्याज दे रहे हो, ठीक है, वो बीच में रख दो, तिरछा घटा दो, दोनों भागों का अनुपात आ जाएगा, एक का पूछे तो एक का बता दो, दूसरे का पूछे तो दूसरे का, या दोनों का बता दो, ठीक है। मिश्रण का ये क्वेश्चन है, मिश्रण में मैं वो अच्छे से क्लियर कराऊंगा, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। कोई व्यक्ति 5000 की राशि का कुछ भाग 4%, शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार देता है, दो वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है, उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पे लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। 5000 को आपने किस अनुपात में बांटा वो आपको बताना है। 5000 को आपने उधार दिया, दो लोगों को उधार दिया, आपके दो दोस्तों को उधार दे दिया आपने 5000 को, एक को दिया 4% पे और दूसरे को दिया 5% पे, ठीक है, तो आपको एक साल का टोटल ब्याज कितना मिला वो सालाना रेट निकालो कि आपको इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा 5000 पे, ठीक है, 5000 पे आप सालाना कितना प्रतिशत ब्याज कमा रहे हो उसको बीच में रख दो। तो दो वर्ष का ब्याज देखो, दो वर्ष का ब्याज आपको मिल रहा है कितना 440, रेट निकाली जाती है एक वर्ष के ब्याज पे, तो एक वर्ष का ब्याज क्या इसका आधा होगा क्या, ठीक है, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, 220 रुपये ब्याज मिलेगा एक साल का, 220 ब्याज मिला किस पे 5000 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा 100 से गुणा, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, 22 में 5 का भाग दो, 5ों को 20 बच के 2 हो गया 20 पॉइंट लगेगा, 5ों को 20, 4.4% ब्याज मिलेगा आपको सालाना, कब, जब एक भाग को तो आपने दिया 4% पे, दूसरे को दिया 5% पे, सालाना ब्याज मिलेगा आपको 220, तो रेट निकाल ली, सालाना मेरे को पूरी कंप्लीट रेट मिलेगी 4.4% ब्याज मिलेगा मेरे को, इसको बीच में रख दो क्योंकि ये कंप्लीट मान है दोनों का कंप्लीट मान है, इसलिए इसको बीच में रख दिया, तिरछा घटा दो बड़ी में से छोटी संख्या, 4.4 में से मैं 4 घटा दूंगा तो 0.4% बचेगा, 5 में से मैं 4.4 घटाऊंगा 0.6% बचेगा, आपसे अनुपात ही पूछा दोनों भागों का, तो सिंपल हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, दो के पहाड़े से काट दो 3 बार, 2 2 4 दो बार, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 3:2, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 2:3 मत कर देना, ध्यान रखना डी ऑप्शन भी, ये गलत होगा, 3:2 के अनुपात में आपने 5000 को बांटा है, ये आपका आंसर होगा। प्रत्येक का हिस्सा पूछ लेता, प्रत्येक भाग पूछ लेता तो कैसे निकालते, 3 और 2 को जोड़ते आप, 5 इकाई करते, 5 इकाई टोटल, और टोटल है कितना 5000, एक इकाई का मान निकाल लो, यहाँ से 5 का भाग में 5000 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 0 पीछे पड़ा है 1000 आ जाएगा, पहला भाग पूछे तो 3 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा 3000, ठीक है, दूसरा भाग पूछे 2 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा 2000, ऐसे सोल्व करना, देखो दोनों भागों को आप जोड़ोगे टोटल 5000 आएगा। ये मिश्रण का एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट आपके। अगला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको अनुपात समानुपात की कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो क्या है, जब तीन संख्या बराबर में हो, एबीसी का अनुपात पूछे, कैसे, 2a = 3b = 4c हो, आपसे एबीसी का अनुपात पूछ ले, तो मैं एबीसी का अनुपात कैसे निकालूंगा, अगर ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, इसको और इसको गुणा करा दो, इन दोनों संख्याओं को गुणा करा दो, 4 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 12, ये ए का मान आ गया, ठीक है। बी का मान निकालना है, बी को छुपाओ, बची कुछ संख्याओं को गुणा कराओ, 4 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 8, ये बी का मान आ गया। सी का मान निकालना है, सी को छुपा लो, 3 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 2 के बाड़े से इसको काट दो, ये कितनी बार जाएगा 6 बार, ये कितनी बार 4 बार, और ये कितनी बार 3 बार, 6 4 3, ये अनुपात होगा ए बी सी का जब तीन संख्या बराबर में हो, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो a/3 / b/4 / c/5, जब तीन संख्या बराबर में हो, उनके बट्टे में कोई संख्या जैसे
ए के बट्टे में 3 है, बी के बट्टे में 4 है, सी के बट्टे में 5 है, तो ए का मान वही बट्टे की संख्या होगी, बी का मान उसके बट्टे की संख्या, सी का मान उसके बट्टे की संख्या। तो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान कितना है, 5 है। अब इसको मैं ऐसे निकालना चाहूँ, देखो ये जैसे 6:4:3 आपने निकाला ना, 2a = 3b = 4c है, इसको मैं इस तरीके से सोल्व करके बता रहा हूँ। कैसे सोल्व करोगे, या तो अपन एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करेंगे, अब संख्या बड़ी होगी तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब 2a = 3b = 4c हो, हर संख्या के बट्टे में 1 होता है, जब मैं इसको 2 को गिराऊंगा नीचे तो ये सबके नीचे आके गिरेगा, देखो 2 को धक्का मारो आप ऊपर से तो 1 के भी नीचे आके गिरेगा, ठीक है। जब 3 को धक्का मारोगे ये 1 के भी बट्टे में आके गिरेगा, जब 4 को धक्का मारोगे तो ये 1 के भी बट्टे में आके गिरेगा, तो 1/2, 1/3 और सी का मान आएगा 1/4, तीनों बराबर में है तो ए का मान क्या होगा, कंप्लीट ये मान होगा 1/2, ठीक है। बी का मान क्या होगा, ये कंप्लीट मान होगा 1/3 और सी का मान क्या होगा, ये कंप्लीट मान होगा 1/4। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर लो, या ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, कई बार ऑप्शन ये ना मिल के आपको ये मिल सकता है, तो आपको ऐसे सोल्व करना है। इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर लो, इसका एलसीएम ले लो, बट्टे में 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 में मैं 2 का भाग दूंगा 6 बार जाएगा, 6 1 से गुणा होगा तो 6 ही आएगा। 12 में मैं 3 का भाग दूंगा 4, 4 1 से गुणा होगा तो 4 ही आएगा। 12 में मैं 4 का भाग दूंगा 3 बार, 3 1 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा। और अनुपात में एलसीएम हट जाता है, ये ध्यान रखना, दिमाग में सेट करना। क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन को सोल्व करते हो, इक्वेशन को सोल्व करते हो, तो अनुपात में जो एलसीएम आता है वो हट जाता है, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 6:4:3। ये एग्जाम्पल इसलिए समझाएं क्योंकि आगे के एक दो क्वेश्चनों में इनका यूज होगा। अब क्वेश्चन पे चलो, देखो क्वेश्चन ये, एक आदमी 15,860 रुपये की राशि का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी और सी के नाम इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3, 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर ब्याज मिले। ध्यान रखना ब्याज बराबर मिलना चाहिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी और सी के नाम पर निवेश की गई राशियों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। देखो सोल्व करने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, ऐसा करना है कि तीनों को ए है उसको ए मूलधन मिलता है, बी को बी मूलधन मिलता है और सी को सी मूलधन मिलता है। 3 पुत्र है, पहले पुत्र को ए मूलधन मिलता है, दूसरे को बी मिलता है और तीसरे को सी मिलता है। पहले पुत्र का समय है 2 वर्ष, इसका समय आ जाएगा 2 वर्ष, रेट सबके लिए 5% है, ठीक है। दूसरे पुत्र का समय है 3 वर्ष, रेट इसके लिए भी 5% है। तीसरे पुत्र का समय है 4 वर्ष, इसके लिए रेट भी क्या है, 5% है, रेट समान है। मैं कहता हूँ आपसे मूलधन अपने आप में 100% होता है, 1 साल में इसको 5% ब्याज मिलेगा तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10%। 1 साल का ब्याज 5% है तो 2 साल का कितना हो गया, 10%। जो भी मूलधन है उसका 10% निकालो, आपका ब्याज आ जाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं अपन। इसका मूलधन क्या है, बी है, इसको ब्याज मिलता है 1 साल का 5%, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। तो जो भी इसका मूलधन है उसका 15% निकाल लो, इसका ब्याज आ जाएगा, और इसका मूलधन क्या माना है आपने, बी माना है। अब इस तीसरे पुत्र का मूलधन सी मान लिया आपने, इसको ब्याज मिलता है साल का 5%, तो 4 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 20%। 1 साल का 5, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 20। जो भी इसका मूलधन है उसका 20% निकाल लो, ठीक है, इसका ब्याज आ जाएगा। और तीनों का ब्याज क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो तीनों संख्या बराबर में है, प्रतिशत यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है। 5 के 12 का भाग दे तो सब में जाएगा, देखो 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20 सब में ये कटना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे नहीं इन दोनों में चला जाए, आगे जाए नहीं भाग, ऐसा गलत हो जाएगा, फिर सब में जाना चाहिए। जैसे प्रतिशत इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तीनों में प्रतिशत कटा। 5 का भाग 10 में भी जा रहा था, 15 में भी जा रहा था, 20 में भी जा रहा था। अब इसको सोल्व कर लो, ये 2 आया बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, बराबर 4c आ गया। अब ए बी सी का अनुपात निकालो। अभी मैंने आपको बताया ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, बी और सी के पास जो संख्या है उसको गुणा करा लो, 4 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 12। ए अनुपात बी अनुपात सी में निकाल रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ले रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा। ए का मान निकालना है, ए को छुपा लिया, 3 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 12, ठीक है। बी का मान निकालना है, बी को छुपा लिया, 2 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 8, ठीक है साहब।
सी का मान निकालना है, सी को छुपा लिया, दो तीन से गुणा होगा तो कितना आएगा, छः। दो के पारे से सोल्व कर लो, ये 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। इजीली देखो अनुपात आ गया। ये आपसे पूछा है कि तीनों पुत्रों का जो राशियों का अनुपात है वो आपको बताना है, 6:4:3। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। 793 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2, 3, 4 वर्ष पश्चात उनका मिश्रधन बराबर हो जाए। इसमें मिश्रधन बराबर करना है, रेट आपके 5% उन भागों का अनुपात बताना है आपको। 3 भागों में बांटा ना 793, वो प्रत्येक भाग आपको बताना है अनुपात में। पहला भाग में मान लेता हूँ ए है, रेट है इसकी 5% और समय इसका 2 वर्ष, ठीक है। दूसरा भाग में मान रहा हूँ बी, रेट इसकी 5% है, समय दूसरे भाग के लिए कितना है, 3 वर्ष। तीसरा भाग में सी मान रहा हूँ, रेट इसके लिए 5% है और समय कितना है इसके लिए, 4 वर्ष। अब देखो इसका ब्याज निकालो पहले, तो 1 साल में 5% लेगा तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10%। ए अपने आप में 100% है तो इसका तो मिश्रधन बराबर है ना, तीनों का मिश्रधन आपको निकालना है। 10% तो इसका ब्याज आ गया। देखो 10% ब्याज कैसे आया, 1 साल का 5% तो 2 साल का कितना, 10%। 100 अपने आप में मूलधन होता है, 10% ब्याज, तो जो भी मूलधन है उसका 110% आप निकाल दो, मिश्रधन आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ऐसे बी का निकालना है, 1 साल का ब्याज कितना, 5%, 3 साल का कितना हो गया, 15%। ये अपने आप में 100% है, 100% मूलधन, 15% ब्याज, टोटल हो गया 115%। मूलधन ब्याज को जोड़ोगे तो क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। तो बी का आप 115% निकाल दो, ये इसका मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सी का निकालूंगा, 1 साल का ब्याज 5%, 4 साल का 20%, 20% ब्याज, 100% मूलधन होता है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ोगे तो सी का 120% निकाल दो, ये इसका मिश्रधन आ जाएगा और तीनों का मिश्रधन बराबर है, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें ए का मान निकालोगे, ए को छुपाओगे, 115 को 120 से गुणा कराओ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो कैसे करें, तो सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हर संख्या के बट्टे में एक होता है, हर संख्या के बट्टे में एक होता है। 110 को धक्का मारो तो सबसे नीचे आके गिरेगा ये, तो सब क्या है, नीचे आके गिरेगा, तो क्या मान आएगा, 1/110, ठीक है। ऐसे बी के पास में 115 है, इसका धक्का मारोगे तो 1/115। ऐसे सी के पास 120 है तो ये बट्टे में आ जाएगा 120। अब ए का मान क्या होगा, 1/110, बी का मान क्या होगा, 1/115 और सी का मान क्या होगा, 1/120, ये मान होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/110 अनुपात 1/115 अनुपात 1/120, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन वो देख लो, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएं। आप बोलोगे साहब इसका 110% क्यों निकाला, देखो जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ, 5,000 रुपये है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रेट है आपकी 5% और समय है 2 वर्ष। मैं इसका मिश्रधन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मिश्रधन क्या होगा। आप बोलोगे सर मैं ब्याज निकाल लेता हूँ और 5,000 में वो ब्याज जोड़ देता हूँ, मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 1 साल का ब्याज कितना लोगे आप, 5%, तो 2 साल का कितना हो गया, 10% ब्याज। तो मैं 5,000 का, 5,000 का मैं 110% निकाल दूंगा ना, ऐसे निकालूंगा, तो आपका ये मिश्रधन डायरेक्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 11 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 55, और 2 जीरो पीछे पड़ा है, 5,500 आपका आंसर होगा, ये मिश्रधन होगा। अब वैसे निकाल लो, चाहे से 5,000 का आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो 5% की दर से, कितना आता है देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 5 से गुणा होगा तो 250 से गुणा होगा तो 500 ब्याज आया, 500 ब्याज आ गया, मूलधन कितना है 5,000, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5,500। तो समझने की कोशिश करो आप, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो, जो भी आपका मूलधन है उस पर ब्याज आपको 1 साल में 5% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 10%। तो 100% तो मूलधन होता है अपने आप में, जो भी मूलधन है उसका 110% निकाल दोगे उसका क्या आ जाएगा, मिश्रधन। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे करा है, मूलधन ए था, अपने आप में 100% है, 1 साल का ब्याज कितना 5, 2 साल का कितना 10%, 10% ब्याज, मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% प्लस 10%, उस मूलधन का आप 110% निकाल दो, आपको मिश्रधन मिलेगा। ऐसे बी मूलधन है, इसका 115% निकाल दो, आपको मिश्रधन मिलेगा।
ऐसे सेम मूलधन है उसका 120% निकाल दो, आपको मिश्र धन मिलेगा। तीनों बराबर है, एबीसी का मान निकाल लिया, ये आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीका, एक दो बार इसको सोल्व करोगे दिमाग में सेट होगा। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी 1,20,000 की राशि को 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पे 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिला है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा आपको बताना है। देखो, बराबर राशि मिलनी चाहिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पे। बराबर राशि का मतलब क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिलना चाहिए। एक आदमी है, उसके पास 1,20,000 रुपए थे, दो बेटे हैं उसके, एक 14 साल का एक 12 साल का है, दोनों के लिए फिक्स डिपोजिट कर दिया, हिस्सा बांट के दोनों का 5% रेट रखी कि जब ये दोनों 18 वर्ष के हो जाए तो इन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। तो बराबर राशि क्या मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि 1,20,000 का 60,000 कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से वो डिवाइड करता है कि 18 वर्ष जैसे ही पूरा हो, मूलधन प्लस ब्याज को आप जोड़ दो ना, तो उनका फिक्स बराबर अमाउंट मिलेगा। तो बराबर राशि मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, उनका मिश्रधन बराबर होगा। तो 1,20,000 है, दो पुत्र है, 1,20,000 टोटल अमाउंट किया था। एक बड़ा पुत्र है, एक छोटा पुत्र है। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो आपको पता करना पड़ेगा। जिसकी एज ज्यादा है वो बड़ा होगा, 14 वर्ष वाला होगा बड़ा, ठीक है। 18 वर्ष की इसकी आयु हो जाएगी तब ये पैसे वापस निकालेगा बैंक से। तो इसका पैसा कितने समय के लिए रहेगा, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए तो रहा पैसा, और रेट है 5%। भाई अभी 14 साल का है, 1,20,000 की राशि को वो डिवाइड कर रहा है, ये 14 साल का, ये 12 साल का है, तो ये तो 12 साल का ही है, और 18 साल तक इसकी राशि रहेगी। जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इसकी राशि रहेगी, तो इसका समय कितना हो जाएगा, अभी तो 12 वर्ष का ही है, इसका समय आएगा 6 वर्ष। समझो, देखो आराम से समझो, अब लास्ट के क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। इसकी रेट क्या है, 5% है। मैं बड़े को मान लेता हूँ ए मूलधन मिलता है, और छोटे को मान लेता हूँ बी मूलधन मिलता है। बड़े का ए मूलधन है, छोटे का बी मूलधन है, ठीक है। 18 वर्ष की जैसे ही आयु होगी इनकी, बराबर इनको मिश्रधन मिलना चाहिए, बराबर राशि मिलनी चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर करो। 1 साल में 5% ब्याज मिलता है, तो 4 साल का कितना ब्याज हो गया, 20%, 100% अपने आप में मूलधन होता है, 100 + 20 120%। जो भी मूलधन है ए, इसका आप 120% निकाल दो, इसका मिश्रधन आ जाएगा बड़े पुत्र का। ऐसे ही 1 साल में 5% ब्याज लेते हो, 6 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 30%। मूलधन 100% अपने आप में होता है, 100 + 30 130%। जो बी है इसका आप 130% निकाल दो, इसका मिश्रधन आ जाएगा। और ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बराबर राशि मिलती है, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। अब दो संख्या बराबर में, इसका मान तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए अपने पास वाली की वैल्यू को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाले को देखेगा। ऐसे बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाले को देखेगा। तो ए और बी का अगर अनुपात का हिस्सा पूछता, ए और बी का, तो 12:13 आता। ए किसका हिस्सा है, बड़े का, और बी किसका हिस्सा है, छोटे का। आपसे पूछा क्या है, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा आपको बताना है कितना मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 12 और 13 कितना, 25 इकाई, और ये 25 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 1,20,000 के, ठीक है। 1 इकाई का मान निकालो, 1,20,000 में 25 का भाग दे दो, 25 × 100, 25 कितने 20 हो गए 200, 25 × 200 4,800 बार जाएगा 25 का भाग 1,20,000 में। आपसे छोटे पुत्र का हिस्सा पूछा है, छोटे पुत्र का हिस्सा कौन सा है, बी, बी का मान कितना है, 13 इकाई, 4,800 को आप 13 से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना आपको करना पड़ेगा, देखो 2 जीरो तो लास्ट में आएगा, 13 4 से गुणा होगा, 13 × 104, ठीक है। 10 कैरी किया, 13 × 52, 52 × 10 कितना हो जाएगा, 62, तो 62,400 मिलेंगे छोटे पुत्र को। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। बड़े का पूछता तो किससे गुणा कराऊंगा मैं, 12 से गुणा करा दो, 48 को बड़े पुत्र का हिस्सा आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक बार और इसको आप देखना, आराम से समझ में आएगा। 5 वर्ष बाद दे 2,200 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी। ये साधारण ब्याज का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बस उसको दिमाग में सेट करना है आपको। 5 वर्ष में कोई पैसा आपको उधार लिया, किसी से पैसा आपने उधार लिया किस्तों पे,
5 साल में लौटाना है, 5% की वार्षिक रेट है, और वार्षिक किस्त देनी है, समय देखो 5 वर्ष। वार्षिक किस्त देने का मतलब क्या हुआ, 1 साल की 1 किस्त, 5 साल में आपको चुकाना है, तो कितनी किस्तें बनेगी, 5 किस्त बनेगी, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त को आप 100 मान लो, जितनी किस्तें हैं उतने 100 लिख दो, 5 किस्तें बनेगी तो 5 बार 100 लिख दो, आराम से समझना, देखो लिख दिया। और ये मान के चलना है कि पहली किस्त पे आपको ब्याज नहीं देना, पहली किस्त है 100, ऐसी की ऐसी रहेगी, इस पे ब्याज नहीं देना, ब्याज की रेट जो है 5% है। अब पहली किस्त देने के बाद दूसरी किस्त कब दोगे, 1 साल बाद में, तो 1 साल का ब्याज लगेगा भाई साहब, रेट कितनी है 5%, तो 100 रुपये का 5% ब्याज निकालोगे तो 5 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 5 रुपये ब्याज आपका देना होगा। अब दूसरी किस्त दोगे, आपने दूसरी दे दी, तीसरी किस्त दोगे पहली किस्त से कितने समय बाद दोगे, पहली किस्त से कंपेरिजन कराना है, पहली किस्त से आप दोगे 2 साल बाद में, तो 2 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का 5 रुपये, 2 साल का कितना हो जाएगा 10 रुपये। चौथी किस्त दोगे पहली किस्त के कितने समय बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का 5, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 15। जब लास्ट पांचवी किस्त दोगे पहली किस्त के कितने समय बाद में दोगे आप, 4 साल बाद में, तो 4 साल का ब्याज लगेगा। टोटल इनको ऐड कर लो, आपने पैसा चुका दिया, 5 किस्तें दे दी मतलब आपने पैसा चुका दिया, इसको ऐड करो, 100, 200, 300, 400, 500 तो ये हो गए, 5, 10, 15, 15, 30 और 20 कितना 50, टोटल पैसा आपने दिया 550 इकाई, समझना आराम से देखो, जबकि आपको चुकाना कितना है टोटल 2200, तो ये 550 इकाई किसके बराबर, 2200 के बराबर। यहाँ से एक इकाई का मान निकाल लो, 2200 के भाग में चला जाएगा 550, जीरो से जीरो कट गया, 11 के पहाड़े से काट दो, 11 दूना 22, 11 5 55, 20 में मैं 5 का भाग दूंगा, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 4। आपको तो किस्त बतानी, किस्त प्रत्येक किस्त कितनी मानी आपने, 100 मानी है, ध्यान रखना प्रत्येक किस्त बराबर होगी, प्रत्येक किस्त आपने 100 मानी है, एक इकाई का मान 4 है, 4 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 400, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। जितनी किस्त बनेगी उतने 100 लिखो, पहले किस्त पे ये मान के चलना है कि आपको ब्याज नहीं देना, क्वेश्चन में सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले किस्त में कभी भी ब्याज आपको नहीं देना है। पहले किस्त के बाद में दूसरी किस्त कितने समय बाद में दे रहे हो, पहली किस्त से कंपेरिजन कराना है, पहले के बाद में दूसरी किस्त कितने समय बाद दी, 1 साल बाद में, तो 1 साल का ब्याज लगेगा, 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना आएगा, जब रेट 5% हो तो 5 रुपये। तीसरी किस्त पहली किस्त के कितने समय बाद, 2 वर्ष बाद में, तो 2 साल का ब्याज, ऐसे यहाँ पे 3 साल का, यहाँ पे 4 साल का, ब्याज प्लस किस्त को ऐड कर दोगे, टोटल आपने पैसा चुका दिया, बराबर में दे रखा होगा, कितना पैसा आपको चुकाना है, एक इकाई का मान निकालो, उसको 100 से गुणा करा दो, आपकी किस्त आ जाएगी, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से देख लो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6,450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, वार्षिक भुगतान का मतलब वही आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 4 वर्ष में देनी है, वार्षिक किस्त देनी है, मतलब 4 किस्त बनेगी, तो 100 कितनी बार लिखोगे आप, 4 बार, ठीक है, 4 बार 100 लिख दिया। और ये मान के चलना है आपको पहली किस्त पे ब्याज नहीं देना है, पहली किस्त पे तो ब्याज लगेगा ही नहीं, दूसरी किस्त से ब्याज स्टार्ट होगा, पहली किस्त के कितने समय बाद आप दूसरी किस्त दोगे, 1 वर्ष बाद में, रेट वही 5% है, 5 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल का। फिर तीसरी किस्त आप पहली किस्त के कितने समय बाद दोगे, 2 वर्ष बाद में, तो 2 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का 5, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10। ऐसी चौथी किस्त आप दोगे पहली किस्त के कितने समय बाद दोगे आप, 3 वर्ष बाद, तो 3 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का 5, तो 3 साल का कितना 15। इसको इसको ऐड कर दो, टोटल आपने पैसा चुकता कर दिया 100, 200, 300, 400, 5, 10, 15, 15, 30, 430 इकाई आपने चुकाया, टोटल आपने ऋण उतार दिया आपका, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितना चुकाना आपको, 6,450, इसके बराबर होगा, एक इकाई का मान निकालो यहाँ से और उसको 100 से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 6,450/430, जीरो से जीरो कट गया, 43 का भाग दो इसमें, 43 एकम 43, एक बार गया, बच गए कितने देखो, 21 बचेगा, जब 64 में 43 का भाग दोगे 53, 63, 164, 21 बचा, 5 पीछे बढ़ाया, 43 का पूरा पूरा भाग जाएगा 215 में 5 बार, तो एक इकाई का मान कितना आ गया 15। आपसे किस्त पूछिए वो कितनी है 100 इकाई, 100 को मैं 15 से गुणा करा दूंगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1500।
कितनी किस्त आएगी आपकी 1500, ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया है। अच्छे से आप इसको सोल्व करना, अच्छे से पढ़ना, एक दो बार ढंग से इन वीडियो को वापस से देख लेना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। लास्ट का वीडियो था ये, लास्ट क्लास थी, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आपको बोरिंग लगेगा बट इनको आपको सोल्व करना है, ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, मैं आप लोगों से और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो। ठीक है।